<clears throat> Assalamu alaikum, everyone. कैसे हैं आप सब लोग ठीक ठाक हैं वालेकुम अस्सलाम जी हमारा आज का प्लान तो ये था कि हम लोग लेक्चर ज़ूम पे शिफ्ट करेंगे लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर उनके लिए मतलब उनके लिए ज़ूम एक्सेस करना इजी नहीं है कंटिन्यूटी में इंटरनेट की क्वालिटी उनके पास ऐसी नहीं होती कि वो इस तरह का लेक्चर सुन सकें तो आप इसे यहीं पर रखिए तो मैंने ये सोचा कि बात उनकी ठीक है हर जगह पे एक जगह एक जैसा इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता तो वो बेचारे क्या करेंगे जो सेंसेर लोग हैं जो सीखना चाहते हैं लर्न करना चाहते हैं तो इस वजह से हमने यहीं पे रखा है अब करेंगे हम ये कि जितने भी लेक्चर्स हुआ करेंगे लेक्चर्स यहीं पे करेंगे लेकिन उनकी जो आउटलाइन है लेक्चर की जो पॉइंट्स होंगे लेक्चर से रिलेटेड वो मैं वो जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वहाँ पे शेयर करूँगा तो जो जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और जो लोग यहाँ पे भी मौजूद हैं ऑबियसली हमने देखना ये है कि वही लोग इधर हैं कि नहीं हैं तो जो जो लोग वहाँ पे और यहाँ पे मौजूद हैं उन लोगों को वो सारा फ़ायदा हो जाया करेगा अभी हम लोग दो तीन मिनट वेट कर लेते हैं मीन वायल आप जो लोग आगे हैं आप मेरी हेल्प इस तरह कर सकते हैं कि आप इस स्ट्रीम को शेयर कर सकते हैं फोर्टी एट पीपल मीन्स फोटी एट शेयर्स और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कह सकता मजाक कर रहा हूँ जिसका दिल करे शेयर करने का वो कर दीजिए जिसका ना करे बना ना करे मैं एक मिनट पानी ले नोट्स में प्रोवाइड नहीं करता जी नोट्स के लिए मैंने पहला लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था आपने नोट्स कैसे बनाने तो आप लोगों को नोट्स खुद बनाने चाहिए हर सब्जेक्ट के और दूसरों पे रिलई ना करें रेडीमेड मटेरियल सीएसएस में आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए किसी स्टूडेंट की सेंसेरिटी सी के साथ मैं इस चीज़ से गेज करता हूँ कि वो नोट्स मांगता है रेडीमेड चीज़ें मांगता है या नहीं मांगता कि वो खुद अपनी चीज़ें बना रहा होता है Uh, चलें चार पांच मिनट हो गए हम लोग शुरू करते हैं फिफ्टी थ्री पीपल एंड देर आर ओनली ट्वेल्व शेयर वेल्ट आप लोगों के लिए जी अच्छा इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच में डिप्लोमेसी जो होती है जो बातचीत होती है जो आ, एक दूसरे के साथ रिलेट करने की मैथडोलोजीज होती हैं उन तमाम मेथोडोलॉजी में एक चीज सुप्रीम गिनी जाती है एक चीज ऐसी होती है जिसके ऊपर कोई स्टेट कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती एक चीज ऐसी होती है जो आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल जितनी भी इंटरेस्ट्स होती हैं उनके ऊपर रेन कर रही होती है सबसे सुप्रीम होती है उस चीज को क्या कहते हैं उस चीज को नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं समटाइम्स देर आर सर्टन परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल अपने मुल्क को वायबल रखना कि वो कंटिन्यूटी के साथ चलता रहे उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए कोई उसकी जो सोवरेनिटी है उसको चैलेंज ना करे ये नेशनल इंटरेस्ट हर नेशन का है इसी तरह अपने आप को डिसइंटीग्रेट होने से बचाना ये भी परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट है आ, अपने बीच में कोहन कायम रखना अपनी इकोनॉमिक वायबिलिटी अपनी पॉलिटिकल एंड सोशल जो कोयर है उसको कायम रखना यह परमानेंट एलिमेंट्स होते हैं परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट्स होती हैं इसी तरह कुछ नेशनल इंटरेस्ट्स टेम्पररी होती हैं वक्ती तौर पर हम कुछ कोई चीज अचीव करना चाह रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल वक्ती तौर पर इस वक्त हमारा टारगेट यह है मैं मिसाल दे रहा हूँ हमारा टारगेट यह है वक्ती तौर पर कि हम आ, अपनी इकोनॉमी को आ, जो उसकी जीडीपी ग्रोथ है उसको सेवन परसेंट लेकर तक लेकर जाना चाहते हैं अगले पांच सालों में ये क्या है है ये नेशनल इंटरेस्ट की बात लेकिन ये टेम्पररी है वो सात पे जा भी सकती है वो सात से आठ भी हो सकती है वो सात से छह भी हो सकती है ये परमानेंट नहीं है तो हम बात ये कर रहे थे कि

किस हद तक ये नेशनल इंटरेस्ट हम अचीव कर से, करते हैं ये डिपेंड करता है आपकी मेच्योरिटी पे आपकी स्ट्रेंथ पे आपकी पब्लिक ओपिनियन पे आपकी लीडरशिप की स्ट्रेंथ पे उनकी मेच्योरिटी पे उनके इमेज पे ये उनके ऊपर सारी काफी सारी चीजें ये डिपेंड करती हैं तो होता क्या है कि जो हमारी लीडरशिप होती है वो हमारे लोगों की माइंडसेट देखकर वो आवाम ऑब्वियसली आवाम से ही लीडरशिप ने आना होता है आवाम का जो जहन है है उसको देखकर प्लस अपनी नेशनल इंटरेस्ट्स को देखकर डिफाइन करते हैं कि अगले 10 साल बाद हमने कहां पे बैठना है अगले 20 साल बाद हमने कहां पे बैठना है और उन्होंने फिर उस डिस्क्रेशन के साथ नेशनल डिबेट के बाद उसको नेशनल इंटरेस्ट को सेफ करना होता है। जो जो भी नेशनल इंटरेस्ट होते हैं दे आर डिटर्मन कंसिडरिंग द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट जो अभी इन्वायरमेंट चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए डिटर्मन किए जाते हैं लेकिन उनमें एक्यूरेटली फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट किया जाता है कि अभी मतलब ऐसा नहीं होता कि हम ये सोचें जी आज के पांच साल बाद हम 12% परसेंट पे ले जाएंगे तो हमने उसको रियलिस्टिक रखना होता है जितना कुछ हम कर सकते हैं हमने उस हिसाब से उसको रखना होता है तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी तक जो हमने देखा वो ये है कि नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम होती है नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने का तरीका अकॉर्डिंग टू सरकमस्टांसिस बदलता रहता है ये आवाम की सोच पे लीडरशिप की सोच पे आपकी ओपिनियन पे आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका अपनाते हो और इसको अपनाने के बाद ये फैसले किए जाते हैं कि एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट में हमने क्या करना है और फ्यूचर में हमने क्या करना है नाइन अलेवन टू थाउजेंड वन जो हुआ था वो जो अमेरिका के ट्विन टावर्स के ऊपर वो पैसेंजर प्लेन ने हमला किया था दैट वॉज चेंजिंग फिनिना किस हवाले से वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हवाले से फॉरन uh, पॉलिसीज के हवाले से वो बेसिकली उसने दुनिया की सियासत के इंटरनेशनल रिलेशन की जो जड़ें थी उनको एक दफा हिला के रख दिया जब किसी भी बिल्डिंग की जड़ें हिलती है ना तो वो पूरी बिल्डिंग कोलेप्स कर जाती है और उसके कोलैप्स करने के बाद नए तरीके से उस बिल्डिंग को डिफाइन किया जाता है दैट इज वॉट हैपन्ड इन आफ्टर नाइन इलेवन बहुत सारी अकवाम ऐसी थी जिन्होंने अमेरिका ने जब प्लान किया कि हम जनाब हमला करेंगे हम ये करेंगे हमने वो करेंगे अब वो ग्लोबल पार था उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे ममालिक ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज चेंज की इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया पाकिस्तान ने कैसे रिएक्ट करना था चाइना ने रशिया ने इंग्लैंड ने तुर्की ने ने कैसे रिएक्ट किया और कैसे उनको करना चाहिए था ये सारी चीजें क्या हुआ क्या बेसिकली हर मुल्क को अपनी फॉरन पॉलिसी को रीथिंक करना पड़ा हमारे अगर इराक में इंटरेस्ट थे उनके साथ अच्छे तल्लुकात थे तो उसको हमें रीथिंक करना पड़ा हमारे अगर अफगानिस्तान में इंटरेस्ट थे उनको हमें रीथिंक करना पड़ा तो अभी हम इससे आगे देखते हैं कि 9/11 के बाद जो हमारी नेशनल इंटरेस्ट थी 9/11 के बाद हुआ क्या हमारी नेशनल इंटरेस्ट क्या थी और उसको हमने आगे क्या क्या लेकर चले यहां तक आपको समझ आ गई समझ आ रही है यहां तक एक एक कमेंट कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए नाइन इलेवन मैंने बता दिया अमेरिका में जो ट्विन टावर्स के ऊपर जहाज वजे थे उसको नाइन इलेवन कहते हैं ठीक हो गया एंड पे प्लीज। अभी नहीं आपने करने <coughs> अच्छा जब नाइन इलेवन होता है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इट वॉज अ वेरी शॉकिंग फिनमिना मुझे याद है मैं तब छोटा सा होता था आई वॉज फोर्टीन ईयर्स ओल्ड शायद हाँ जी तो मैं तंदूर पे घर रोटियां लगवाने गया हुआ था तो वहां पे टीवी लगा हुआ था उसके ऊपर लिखा हुआ था अमेरिका अंडर अटैक मुझे वो हेडिंग आज तक याद है आ, मैं घर आया मैंने घर आके बताया हमारे घर टीवी नहीं होता था मैंने घर आके बताया कि अबू जी अमरीका से हमला हो गया है अबू जी आगे से कहते हैं पुत्र तेरा दिमाग नहीं कम करता अमरीका थे किन्ने हमला करना है मैं, मैं बोला अबू जी मैं मसा देख के आया हूं मैं मसा तक टीवी के उ हमारे पास एक छोटा सा वो लेदर का रेडियो होता था अभी ने अबू ने फौरन वो ऑन किया तो वो बीबीसी लगा हुआ था और पता नहीं क्या क्या शाम के तो वो जनाब उन्होंने उस पर देखा और सुना सॉरी और फिर कहते हैं आहो वाकई कुछ हो गया तो सुबह जाके फिर वो सारी डिटेल्स सा हमें पता चली अब जब नाइन अलेवन होता है तो अमेरिका स्पेसिफिकली और बाकी की दुनिया जर्नली वो इस रीजन में चूंकि उसके पर्पट्रेटर्स जो थे अलकायदा वाले तालिबान और तालिबानी अलकायदा वाले और उनका भी लीडर जो था दैट uh, उसामा बिन उसमें ये कहा गया जी कि उसामा बिन लाद को हमारे हवाले कर दिया जाए क्योंकि ये अलकायदा का लीडर है वो तालिबान ने इनकार कर दिया अब जब इनकार हुआ तो उसको फिर बोला गया जी फिर इसके रिप्रकशन के लिए आप तैयार रहिए अब उसके रिप्रकशंस के लिए तैयार रहने के लिए जो ऑब्वियसली जो इस रीजन की स्टेट्स हैं जिसमें ईरान आता है जिसमें मिडल ईस्टर्न कंट्रीज आते हैं जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आते हैं जिसमें साउथ एशिया आता है चाइना पाकिस्तान इंडिया ये सारे कंट्रीज आते हैं इनको भी कहा गया दैट यू हैव टू गेट इन लाइन विद यूएस फॉरेन पॉलिसी और वो यूएसएस की फॉरेन पॉलिसी थी क्या कि हमने दुनिया से टेररिज्म को और टेररिस्ट को सारी दुनिया से हमने उनको एरेडिकेट कर देना है मुशरफ ने उस वक्त कौम से खताब किया उन्होंने कहा जी कि हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की इस वक्त इंटेंशन क्या हैं और हमें यह भी पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स को इस वक्त यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असम्बली दोनों का इतमाद हासिल है इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेजोल्यूशन तो उसने फिर कहा जी कि हम आ, अपना जरा वो डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन हम पाकिस्तान के वसी तर मफाद में जो एक अक्सर डायलाग बोला जाता है उसको मद्देनजर रखते हुए हम डिसीजन लेंगे एंड वी विल सी वट वी कैन डू और हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी जो हमारी कॉम है कि वो इस डिसीजन में हमारा साथ देंगे अब उस वक्त जॉर्ज बुश था अमेरिका का सदर और कॉल पावर था उस वक्त पावर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट उन्होंने मुशरफ को टाइम दिया और आ, कुछ डिमांड्स दी कि इन डिमांड्स के ऊपर आप सोचो आ, हमें वो कन्वे की गई जो फॉर्मल मैसेज था प्रेसिडेंट बुश की तरफ से लिस्ट ऑफ डिमांड्स के साथ मुशरफ को जो दिया गया वो कुछ इस तरह का था सबसे पहला ये था कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स पे आ, या पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर वाली साइड पे जितने भी अलकायदा के ऑपरेशंस हो रहे होंगे उनको पाकिस्तान हॉल्ट कर देगा रोक देगा आ, कोई भी जो शिपमेंट्स हैं, आर्म्स एंड एमशन के शिपमेंट्स जो पाकिस्तान के थ्रू जा रही हैं, जितनी भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट है जो अफगानिस्तान को दी जा रही है पाकिस्तान उसको रोक लेगा साथ में यह कहा गया कि पाकिस्तान पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के प्लान्स को ओवर फ्लाइट ब्लैंकेट ओवर फ्लाइट और लैंडिंग राइट्स देगा अपने मुल्क के अंदर बेसिस प्रोवाइड करेगा नेवल बेसिस को एक्सेस देगा और बॉर्डर की एक्सेस देगा फिर यह भी कहा गया कि पाकिस्तान इमीडिएट इंटेलिजेंस एंड इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन शेयर करेगा जितना भी यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोमेस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ सपोर्ट फॉर टेररिस्ट है चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट हो यूनाइटेड स्टेट्स के फेरेंट्स और एलाइज के अगेंस्ट हो उसमें पाकिस्तान पीछे हट जाएगा ये आगे हमारा पॉइंट आएगा इंडिया के हवाले से कश्मीर के हवाले से हमारी फॉरेन पॉलिसी में चेंज जो आया उसके ऊपर हमारा पॉइंट आएगा वहां पे ये मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा और फिर ये भी कहा कि तालिबान की तरफ जितनी भी फ्यूल सप्लाईज थी पाकिस्तान से जो वॉल्टियर्स जाते थे तालिबान वो वो मुजाहिदीन के तौर पर वो बंद करेगा और पाकिस्तान तालिबान गवर्नमेंट के साथ अपने तमाम डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है उनको ब्रेक कर लेगा टू द सरप्राइज ऑफ अमेरिकन मुशरफ ने तमाम की तमाम जो है ना कंडीशंस मिन उनको एक्सेप्ट कर लिया फिर उसने वो खताब किया जी कि मुल्क उन्नीस सौ इकहत्तर के बाद इससे इससे बड़ी प्रॉब्लम्स आज तक उसने मुल्क ने नहीं फेस की तो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मुल्क हमारा साथ देगा और वो डिसीजन था क्या कि जितनी डिमांड हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे 180 angle, uh, तालिबान, हम तालिबान, को, we जिसने तालिबान की गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था और हमारे उनके साथ बड़े अच्छे टाइज थे जो कि आज भी हम आप लोगों को अक्सर जगह पे नजर आते हैं जहां कहीं पे वो ना मान रहे हो आ, कोई बात मानने के लिए तो वहां पे फिर पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाता है तो अफगान पॉलिसी अब आते हैं पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी इलेवन क्या थी था क्या जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया नाइनटीन फोर्टी सेवन में तो उस वक्त काबुल यानी कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान के दो सूबों

उनको चॉइस दी जाए कि आइदर दे ऑप्ट फॉर इंडिपेंडेंस दे स्टे विद पाकिस्तान और दे जॉइन अफगानिस्तान ये तीन उनको ऑप्शंस दिए जाए और उसके अकॉर्डिंगली फिर उनका जो भी डिसीजन आए उसको देखा जाए ये अफगानिस्तान क्लेम करता था इनिशियली 1952 और 1962 में दो दफा ये जो पाकिस्तान के पख्तून एरियाज के अंदर अफगानिस्तान की मेडलिंग थी इंटरेस्ट थी उसकी वजह से हमने अपने डिप्लोमेटिक टाइज अफगानिस्तान के साथ डिसकनेक्ट किए थे तो ये बेसिकली पाकिस्तान की सेंसिटिविटी थी टू वर्ड्स अफगानिस्तान क्लेम्स और उसी वजह से लेटर ऑन क्या हुआ नाइनटीन में ब्लोच इंसर्जेंसी जो है वो भी इनिशिएट की गई और उसमें उनका मेन मकसद क्या था इंडिया के साथ मिलकर के बलोचिस्तान को एक आजाद रियासत बनाया जाए ये इनिशियल स्टेजेस पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस तरह के रिलेशंस थे अब होता क्या है कि यूएसएसआर यानी कि जो रशिया की पुरानी फॉर्म थी जो मिली हुई थी वो स्टेट्स आपस में उन्होंने 1970s में अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया उस वक्त अमेरिका और रशिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर चल रही थी सर्द जंग चल रही थी कोल्ड वॉर उसको कहते हैं जिसमें आप डायरेक्ट आपकी आर्मीज़ कंफ्रंट नहीं करती लेकिन आप दूसरे ममालिक या नॉन सेट एक्टर्स को यूज करके प्रॉक्सीज़ को यूज करके आप एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते हैं तो वो एक चल रहा था फिनोमिना बिटवीन अमेरिका एंड यूएसएसआर जो कि दो ग्लोबल पार्स थी अब यूएसएसआर ने अटैक किया अफगानिस्तान पे उसमें अमेरिका को ये चांस मिला कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान वहां पे मुजाहिदीन को बेचे और वो मुजाहिदीन बेसिकली वहां से रशिया को यूएसएसआर को वहां से निकालें और हम इस तरीके से यूएसएसआर को भी कमजोर करेंगे हम इस तरीके से अपने मकासद भी पूरे कर लेंगे ऑन अदर हैंड पाकिस्तान का उस वक्त ये मकसद था कि हम लोग अगर रशिया यूएसएसआर अटैक करता है अफगानिस्तान पर और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान हो सकता है ताकि वो वार्म वाटर्स जो कि इंडियन ओशन के पानी है उन तक एक्सेस कर सके तो पाकिस्तान पे भी वो हमला कर सकता है तो हमने भी उसमें आ, अमेरिका को सपोर्ट किया अमेरिका की पॉलिसी अफगानिस्तान में मुजाहिदीन बनाने की और हम हमने यहाँ पे वो सऊदी अरेबिया की फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ नर्सरीज बनाई यहाँ पे हमने जनाब आ, ट्रेन करने शुरू किए, से हमने एक्सपोर्ट करने शुरू किए मुजाहिदीन और वो वहां पे जाके सारे मामला करते थे और यूएसएसआर का वहां पे जाके उनको ना सिर्फ जंग में हराया बल्कि यूएसएसआर डिस इंटीग्रेट भी हो गया डिफरेंट रियासतें जो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बने ना ये उसी वजह से बने थे अब इसमें पाकिस्तान की जो सुप्रीम इंटरेस्ट थी वो ये थी कि अफगानिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट या पाकिस्तान फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया जाए ताकि जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के इलाकों के ऊपर क्लेम करता है टेरिटोरियल क्लेम्स करता है उसको रोका जा सके ऑब्वियसली फ्रेंडली गवर्नमेंट होगी तो वो फिर टेरिटोरियल क्लेम्स नहीं करेगी और हमारे लिए ज्यादा उस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगी अब ये सारे फिन थे एट द सेम टाइम हमने एक आप लोगों को शायद इस चीज से वाकफियत है या नहीं है एक फिनोमिना है उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ फिनोमिना है क्या पाकिस्तान को अगर आप ग्लोबल मैप पे देखें तो पाकिस्तान इस तरह है ऐसे अब इसके एक साइड पे इंडिया है दूसरी साइड पे अफगानिस्तान है इधर इंडिया है इधर अफगानिस्तान है अब स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए फर्ज करें ये फर्ज करें पाकिस्तान का ओवरऑल मैप है ठीक है स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए यहां पे इंडिया है और यहां पे अफगानिस्तान है ठीक है अगर इंडिया यहां से अटैक करता है तो पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर तक जाते हुए इट टेक्स लेस टाइम पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिकली डेप्थ थोड़ी है हमारा मुल्क लंबाई में ज्यादा है चौड़ाई में कम है इंडिया से अगर हम कंपेयर करें तो वन थर्ड बनती है हमारी डेप्थ uh, यानी कि ये जो चौड़ाई है अब उस फिनमिना के लिए हमने क्या किया कि ये भी एक हमारे में बात थी कि अगर इंडिया के साथ हमारा कोई 1971 की वॉर हो चुकी थी फोर्टी एट की वॉर हो चुकी थी 65 की वॉर हो चुकी थी तो अगर इस तरह की कोई जंग होती है और कोई इस तरह का फिनमिना होता है कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं तो हम अफगान लैंड को एज अ स्ट्रेटेजी यहां पर चूंकि अफगानिस्तान की जमीन है तो पाकिस्तान की डेप्थ को इंक्रीज करने के लिए अफगान लैंड को ऑपरेशन सेंटर के तौर पर हम यूज कर सकते हैं यह भी हमारा एक फिनमिना था जो कि नाइनटीन में हमारे लिए चल रहा था यह सारी चीजें मिलाकर हमने अफगान वॉर की वहां से यूएसएसआर हार गया हमने जनाब तालिबान की वहां पे गवर्नमेंट इंस्टॉल हो गई हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया और तालिबान ने यहां तक भी कहा था कि वी सपोर्ट द जिहाद इन कश्मीर हाँ तो हमारा मकसद बेसिकली ये भी था कि जो कश्मीर में हमारी स्ट्रगल चल रही है उसमें भी बाद में हम इसी चीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो ओवरऑल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी प्रायर टू नाइन इलेवन कुछ इस तरह चल रही थी जो मैंने आपको शुरू से बता दिया पहले हालात माड़े थे खराब थे अफगानिस्तान एंटी पाकिस्तान था फिर वहां पे जंग का मौका मिला वहां पे हमने प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स को इंस्टॉल किया और अब उसके बाद सारे ये मामला हुए यहां तक आप लोगों को समझ आ गई कि नाइन इलेवन से पहले फॉरेन पॉलिसी हमारी कैसी थी टूवर्ड्स अफगानिस्तान यहां तक समझ आ गई एक एक कमेंट कर दें तो मुझे फिर तसल्ली हो जाती है ठीक हो गया जितने लोगों ने नया ज्वाइन किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर ये स्ट्रीम शेयर कर सकते हैं तो आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस योर ओबीडियंटली एक्स वाई जेड अच्छा जी एंड पे अब नाइन इलेवन हो गया उसके बाद पाकिस्तान ने पाकिस्तान को एक इंडिया से थ्रेट था नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी का रिवाइवल चाहिए था बिकॉज जब हमने एटमी धमाके किए थे उसके बाद हमारे ऊपर इकोनॉमिक सेंक्शन लग गई थी और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ था हमें वो इकोनॉमिक रिवाइवल चाहिए था हमें जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे जो न्यूक्लियर इंस्टालेशन थी हमने नया नया धमाका किया था तो वो सेफ चाहिए थे और हमें कश्मीर इश्यू का रेजोल्यूशन चाहिए था ये वो जस्टिफिकेशन थी ये वो इश्यूज थे ये वो हमारी नेशनल इंटरेस्ट थी जिनकी बिना पर हमने अफगान पॉलिसी के ऊपर एक यूटर्न ले लिया कि जो हमने तालिबान को सपोर्ट किया हुआ था उससे हम लोग पीछे हट गए हमें यह था के प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस को अगर हम जेन में रखें और अमेरिका को अगर हम सपोर्ट करें और यहां पे अगर इस तरह का अमेरिका के मकासद पूरे हो जाते हैं तो अमेरिका हमें इंडिया से नेशनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा हमारी इकोनॉमी का रिवाइवल हो जाएगा हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो सेफ गार्डेड रहेंगे और कश्मीर इश्यू भी रिजॉल्व हो जाएगा और हम एक ट्रूली प्रोग्रेसिव प्रोस्प्रस स्ट्रॉन्ग स्टेबल इस्लामिक डेमोक्रेसी बनकर उभरेंगे लेकिन 9/11 के बाद हुआ क्या एवरी थिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू सब कुछ आपके सामने और ये वो हैं जो ये वो आ, हैं जो आपकी आंखों के सामने हुए हमारे मुल्क में एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया हमारे मुल्क में रिलीजियस फनाटिसिज्म बढ़ गया एक दूसरे पे कुफर के फतवे ये हो गया वो हो गया हमारे भी स्टेट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो थी मदरसा आ, का जो निजाम था उनके बीच में गैप बढ़ गया हमारे पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी में यह तासर गया कि इट इज अ फंडामेंटलिस्ट स्टेट इट इज बेसिकली एक्सट्रीम स्टेट अफगानिस्तान की सोसाइटी में हमारे लिए हेटरेट uh, बढ़ गया जो हमारी स्ट्रेटजिक डेप्थ वाला स्ट्रेटजी थी उसका हमने उसको लूज कर दिया uh, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स इंस्टॉल हुए यूनाइटेड uh, स्टेट्स ने प्रो इंडिया पॉलिसीज अपना ली अब आप देख ही रहे हैं अफगानिस्तान ने प्रो इंडिया पॉलिसीज अपना ली इकोनॉमी इकोनॉमी हमारी का बेड़ा गर्क हो गया कश्मीर इशू स्टिल इन शैकल्स, हमें जिन चीजों को मद्देनजर रखकर जो चार पांच चीजें मैंने आपको बताई मद्देनजर रखकर हमने यूटर्न लिया था उनमें से हमें कुछ भी नहीं मिला ये हमने कॉस्ट पे की अफगान पॉलिसी के ऊपर टर्न लेने की अब इसके बाद हमने नाइन इलेवन के बाद एक और चेंज भी लिया था अपनी फॉरेन पॉलिसी में दैट चेंज वाज टूवर्ड्स पाकिस्तान कश्मीर पॉलिसी इंडिया यूएन रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंगली कश्मीर के ऊपर किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट एक्सेप्ट नहीं करता शिमला अकॉर्ड के बाद जो 1972 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हुआ था जब नाइन इलेवन के बाद इंटरनेशनल एनवायरमेंट चेंज होता है तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ अफगान पॉलिसी के ऊपर वन एटी डिग्री का यूटर्न लिया बल्कि कश्मीर पॉलिसी के ऊपर भी लिया पहले क्या था कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर में इंसर्जेंसी थी उसको सपोर्ट करके रखा हुआ था इकोनॉमिकली पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली सारे हवालों से और उससे कश्मीर इशू को अलाइव रखा हुआ था अब जब यह फिनोमिना हुआ तो अमेरिका ने मैंने ऊपर आपको एक पॉइंट बोला था कि आपने ये पॉइंट जेन में रखना है वो पॉइंट क्या था दैट पाकिस्तान विल कर्ब आर डोमेस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ सपोर्ट फॉर टेररिज्म किसी किस्म के भी टेररिज्म के लिए पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक सपोर्ट छोड़ देगा अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स इट्स फ्रेंड्स एंड एलाइज और इंडिया उसके फ्रेंड्स और एलाइज में काउंट किया गया था तो हमें क्या कहा गया कि आपने जो कश्मीर में जो काम भाई साहब आपने शुरू किया हुआ ना वो ठीक नहीं है कश्मीर में आप जो इंसर्जेंसीज को सपोर्ट कर रहे हो कश्मीर में जो आप लड़ाई झगड़े करवा रहे हो कश्मीर में जो आप कत्लो कश्मीर में जो आप बम धमाके करवा रहे हो दैट इज वट वी हैव स्टूड अगेंस्ट अमेरिका ने कहा जी कि हम इस टेररिज्म के अगेंस्ट ही तो खड़े हुए हैं और इंडिया ने भी यही कहा वो देखो जी पाकिस्तान देखो यही काम कर रहा है जिसकी वजह से दूसरे ममालिक कमजोर हो रहे हैं तो हुआ क्या अमेरिका ने यह कहा यू आर आइदर अस और अगेंस्ट अस देर इज नो मिडल वे यू हैव हैव टू टू टेक अ यू स्टैंड अस या फिर आपको हमारे अगेंस्ट खड़ा होना होगा। अब पाकिस्तान की जो थी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसके बारे में तो उस वक्त शुरू में क्वेश्चन मार्क थे ही थे फिर पाकिस्तान ने कश्मीर को जो इंसर्जेंसी को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था तो इंडिया उसको टेररिज्म का लेबल देता था उस वजह से पाकिस्तान को अब चूंकि यहां पे अमेरिकन आर्मी की प्रेजेंस थी यहाँ पर हमने बेसिस उनको दे दी थी तो हमें फिर वो डोमेस्टिक सपोर्ट जो है वो वापस लेनी पड़ी कश्मीर के ऊपर हमने यूटर्न ले लिया जैसे हमने अफगानिस्तान के ऊपर लिया जब ये सारा फिनोमिना हुआ तो इसी दौरान मुशरफ ने कश्मीर के हवाले से एक फोर पॉइंट एजेंडा दिया था कि कश्मीर इशू को हम इस तरह रिजोल्व कर सकते हैं मुशरफ ने कहा द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कुड बी डिवाइडेड इंटू सेवन जो इसको पूरी कश्मीर को एक पॉलिटिकल यूनिट तस्वर करने की बजाय हम उसे सात हिस्सों में डिवाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में सात जोन में पहला हम ये काम करते हैं फिर हम क्या करते हैं कि ये जो सात जोन हम बनाते हैं इनको डिमिलिटराइज कर देते हैं इनमें से मिलिट्रीज निकाल देते हैं फिर हम ये करते हैं उनका स्टेटस चेंज कर देते हैं ना ही वो आ, इंडिया की इंटरनल टेरिटरी गिने जाए ना ही वो पाकिस्तान की टेरिटरी गिनी जाए वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं मतलब उनमें वक्ती तौर पर दोनों ममालिक फोर्सेस हो सकती हैं या वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस हो सकती हैं मतलब उनका स्टेटस चेंज किया जाए और जो कश्मीर वैली है ये छोटा सा एक पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा इंसर्जेंसी होती है जहां पे सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया के अगेंस्ट मुजाहरे होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं उसके बारे में मुशरफ ने कहा कि दैट मे बी कंट्रोल्ड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान अब बेसिकली मुशरफ का ये कहने का मतलब मतलब ये था कि जो सात जोन में हमने उसको डिवाइड करना है ना सारे कश्मीर को एक्सेप्ट फॉर द वैली रीजन वो सात जोन अपने अपने लोगों से मिलजुल कर इंडिपेंडेंटली ये सोच लें कि हमने क्या करना है हमने इंडिया के साथ जाना है हमने पाकिस्तान के साथ जाना है हमने इंडिपेंडेंट रहना है कैसे रहना है फॉर एग्जाम्पल सात में से तीन जोन कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ आना है वो तीन जोन पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दो दो जोन ऐसे हैं जहां पे हिंदू मेजोरिटी है जहां पे बुद्धिस्ट ज्यादा हैं वो दो जोन, जोन कहते हैं हमने उधर जाना है उनको उधर के इंडिया के साथ भेज दो एक दो जोन ऐसे हैं जो कहते हैं हमने इंडिपेंडेंट रहना है उनका आपस में दोनों मिलकर सोच लो कि उनका क्या करना है ठीक है मतलब ये एक फोर एजेंडा कश्मीर का रिजोल्व करने का मुशरफ ने दिया था बेसिकली इसके ऊपर भी एंड रिजल्ट वही था कि हम कश्मीरियों का व्यू जान लिए ले, लेकिन उसको पूरे कश्मीर को एक पॉलिटिकल यूनिट गिनने की बजाय उसको सात हिस्सों में डिवाइड करके उनके सात हिस्सों का ओपिनियन ले लिया जाए अपोजिशन ने क्या किया अपोजिशन ने क्या लाहौल दिमाग तो नहीं काम करता हम इसको ये कश्मीर काज के साथ ना इंसाफी है हम 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 इसको रिजेक्ट करते 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 हैं हम वो करते हैं हैं ये वो मतलब उसकी सत्यानाशी कर दी हालांकि मुशरफ का जो प्रपोजल था ये रियलिस्टिक ग्राउंड पे बेस कर रहा था क्योंकि वॉर वाज नो लॉन्गर एन ऑप्शन जो न्यूक्लियर स्टेट्स होती है ना उनके बीच में जंग कोई जो है ना वो सोल्यूशन नहीं होता तो उसके बाद से ऑनवर्ड्स कश्मीर पॉलिसी हमारी आ, अगर यहां पे थी तो वो यहां से जल्दी जल्दी इधर आ गई बेड़ा गर्क हो गया और यहां तक हम उसमें कमजोर हो गए कश्मीर पॉलिसी में उसको हाईलाइट करने में जो हमारी पिछली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी मुशरफ के आने के बाद उन गवर्नमेंट्स के दौरान तो कश्मीर पॉलिसी के ऊपर कोई खास तवज्जो दी ही नहीं गई उसको हाईलाइट करने पे उसको प्रोमोट करने पे उसको कुछ भी करने पे कुछ इतनी ज्यादा तवज्जो डिप्लोमेटिकली जो दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई तो फिर क्या हुआ अब आपको नजर आता है पिछले एक साल से वहां पे कर्फ्यू नाफज कर दिया गया थ्री ए जो वहां पे आ, आर्टिकल था जो कश्मीर की सेपरेट हैसियत के तौर पर यानी कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं था एक सेपरेट स्टेट के तौर पर तस्वुर किया जाता था वो खत्म कर दिया गया उसके बाद वहां पर वो नेशनल वो जो कश्मीर के जो इंडियंस हैं वो कश्मीर में अपनी जगह नहीं ले सकते उसका मुझे अब नाम नहीं जेन में आ रहा वो भी खत्म कर दिया गया जो आम इंडियंस हैं वो कश्मीर में जाके रह नहीं सकते वो भी खत्म कर दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन का बेड़ा गर्क हो गया तो बेसिकली ये फोर पॉइंट एजेंडा था और ये कश्मीर पॉलिसी के ऊपर हमने इस तरह का कुछ चेंज लिया अब अगर आप देखें तकरीबन 20 साल हो गए नाइन इलेवन को हुए सितंबर इलेवन गुजर गया है। इन 20 सालों के बीच में वी आर ऑलमोस्ट बैक टू स्क्र वन बैक टू स्क्र वन से क्या मुराद है अमेरिका आज तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है तालिबान के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है वो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बनाई मुझे उसका नाम अब जहन में नहीं आ रहा यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा उसमें बेसिकली शो ये किया गया है कि पाकिस्तान ने जो नाइन अलेवन के बाद फॉरेन पॉलिसी में सो कॉल्ड चेंज लाया था वो सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजरों में धूल झोंकने के लिए था अंदर ही अंदर पाकिस्तान तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान उनको प्रमोट भी कर रहा था और ये सारे काम कर रहा था मतलब ये भी एक ओपिनियन है यह भी एक एंगल है उसको देखने का तो अगर हम कंक्लूजन की तरफ आए तो हमें यह पता चलता है कि हमने 9/11 के बाद जो फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली लाई उस फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली की वजह से हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को कंट्रोल नहीं रख सके वहां पे जब ऑपरेशन शुरू हुए वहां से तालिबान और इस तरह के फैक्शंस भागकर पाकिस्तान में उन्होंने पनाह ली उनमें कई फैक्शंस को इस तरह भी यूटिलाइज किया गया इंडिया और अफगानिस्तान के थ्रू के वो टीटीपी और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई पाकिस्तान को डिस करने की कोशिश की गई पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर्स स्टार्ट करने की कोशिश की गई जिसको बाय हुक और बाय क्रुक स्लोली एंड स्टेडिली काफी अर्सा लगाकर और काफी जाने जाया कर हमने कंट्रोल कर ही लिया Uh, कश्मीर पॉलिसी इज फॉर राइट बींग फॉर फ़्रॉम बींग सॉल्व एनी टाइम सून वो हमें सॉल्व होती हुई नज़र नहीं आ रही uh, जो हमारी रिलीजियस तंजीमें हैं uh, जब मुशरफ ने uh, ये सारी एक्सेप्ट की थी ना तो उस वक्त हमारे रिलीजियस तंजीमों को बड़ा प्रमोट किया था हमारी आ, पाकिस्तानी कौम ने के पी के में स्पेशली एम एम ए की वहाँ पर गवर्नमेंट भी कोलेशन में गवर्नमेंट भी बनी थी इतना ज़्यादा वो आ, किया गया था क्योंकि स्टेट इंस्टीट्यूशन और दूसरी पोलिटिकल पार्टी से लोग इतने तंग आ चुके थे और आ, अब जाके कश्मीर पॉलिसी हमारी जीरो पर चली गई है और अफग़ानिस्तान पॉलिसी हमारी ऑलमोस्ट इट लुक्स लाइक सक्सेस uh, स्टोरी तो ये थी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो मेजर चेंजेस हैं फॉरेन पॉलिसी में ऑब्वियसली uh, फॉरेन पॉलिसी में तो और बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो मेजर चेंजेस आई पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में नाइन इलेवन के बाद वो ये है अब अगर आप लोगों का कोई सवालात हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा नेशनल इंटीग्रेशन एंड एथनिक इश्यूज के ऊपर ये जो आज का लेक्चर है इसके पॉइंट्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूं कोई सवाल नहीं मुझे नजर आ रहे अच्छा जी फॉर यू वेलकम बच्चे हाउ इन पाकिस्तान पोस्ट नाइन इलेवन बेसिकली जब आपके मुल्क के अंदर इंसर्जेंसीज बढ़ रही हों और आपके बिल्कुल हमसाय मुल्क में जंग चल रही हो तो जो आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया और अफगानिस्तान Uh, उसमें ऑब्वियसली वो फैक्शंस तो मौजूद थे जो पाकिस्तान के डिस इंटीग्रेशन को देखना चाहते हैं या पाकिस्तान के हिस्सों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं तो उन्होंने uh, इस तरह के फैक्शंस को प्रमोट किया uh, उन्होंने इस तरह के लोगों को uh, आगे लेके आए जिसकी वजह से टी टी इमर्ज की इंडिया के कंधार के अंदर चालीस से ज्यादा कौनसुलेट्स थे एक सिटी के अंदर ये मुशरफ का इंटरव्यू uh, था उसमें उसने बात की थी तो ये बेसिकली इंडिया और अफगानिस्तान का जो है ना वो मिली थी प्रॉक्सी वार होती है जी जिसमें आप डायरेक्ट किसी मुल्क को जंग अपनी फोर्सेस उनके ऊपर नहीं लगाते लेकिन आप उसको हर तरीके से कमजोर करने की कोशिश करते हो वो डिप्लोमेटिक मींस हो सकते हैं इकोनॉमिक मींस हो सकते हैं वो थ्रू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है जी बिल्कुल आप अफगानिस्तान में ये इस्ता के मामले में पीस डील को मेंशन करेंगे पाकिस्तान एजा अदर वीक और नो फॉरन पॉलिसी उसकी वजह ये है कि अब ये देखें ना जब मुशरफ को कहा गया ये पांच पॉइंट्स हैं जी आ, ये आपने मानने हैं तो मुशरफ ने ये नहीं कोई निगोशिएट नहीं किया ये नहीं कहा मैं चार मानूंगा मैं दो मानूंगा मैं एक मानूंगा सीधा कह दिया जी ठीक है मैं सारे मान लेता हूं अब उसके पीछे कमजोरी है या स्ट्रेटेजी है ये तो वक्त बताएगा लेकिन अपेरेंटली वो कमजोरी ही लगती है जी कोल्ड वॉर और प्रॉक्सी वॉर ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप मैंने लेक्चर की आउटलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी है जिस किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है मेरा नंबर है जीरो थ्री फोर फाइव ट्रिपल नाइन डबल फोर डबल जीरो उसके ऊपर मुझे मैसेज कर दीजिए अपना नाम और साथ में कह दीजिए पाकिस्तान फेज, तो मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगा प्रीवियस लेक्चर्स के भी कल आप मुझे याद कराएगा, ग्रुप में मैं भिजवा दूंगा वी डू अ फॉरन पॉलिसी किसने कहा हमारी फॉरन पॉलिसी नहीं है इसराइल के साथ तलुकात ना रखना इज अ फॉरन पॉलिसी जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आई कैन नॉट रिपीट होल टू मिनट्स आप दोबारा सुन लीजिएगा इसको कश्मीर इशू पे ये इफेक्ट हुआ जी के बेड़ा गर्क हो गया मैंने बताया ना कि कश्मीर में आप देखिए कहां उसकी इंडिपेंडेंट हैसियत थी और कहा इंडिया का हिस्सा है कहां आप इंडियंस वहां पे आके डोमिसल बनवा रहे हैं सारे काम कर रहे हैं आ, हम अभी तो नहीं डिफाइन कर सकते कि इट वाज़ राइट और रॉन्ग कश्मीर मैं अगर पर्सनली देखूं कश्मीर के हवाले से इट वाज़ अ राइट पॉलिसी और अफगानिस्तान सॉरी कश्मीर के हवाले से इट वाज़ अ रॉन्ग पॉलिसी और अफगानिस्तान के हवाले से इट वाज़ अ राइट पॉलिसी एक्सेप्ट के हमें बहुत सारी जाने-गवाने पड़ी उसमें एक्जेक्टली एक्सट्रीमिज्म और सेक्टेरियनिज्म हमारा इन्हीं वजूहत की वजह से बढ़ा था हमने जो बॉर्डर्स लूज किए थे जो वहां से लोग आए जो हमने अमेरिका को सपोर्ट किया ये सारे फैक्शन थे उसमें अपोजिशन ने मुशरफ के एजेंडा को रिजेक्ट किया था जी स्पेशली रिलीजियस पार्टीज ने डिसीजन तो उस वक्त मुशरफ ने लिए थे शरफ के सर ही सहरा जाता है इसका ना वाट इज द स्टांस ऑफ यूएस विद पाकिस्तान विद यूएस आपको अभी किस स्टांस का पता होना चाहिए जीरो थ्री फोर फाइव ट्रिपल नाइन डबल फोर डबल जीरो नेशनल इंटरेस्ट रिपीट करें

जो आउटलाइन शेयर करता हूँ वो इसलिए शेयर करता हूँ कि आपके जेन में पॉइंट्स रहें। अगर आप वो खुद लेक्चर के दौरान लिख लेते हैं तो इट्स फाइन। फिर आउटलाइन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी चलें जी अपना ध्यान रखें खुशबाश रहें आद रखें मिलते इंशाल्लाह परसों अगले लेक्चर के साथ अल्लाह हाफिज लेक्चर शेयर कर दीजिएगा जो कर सकते हैं